हल्द्वानी नगर निगम चुनाव शुरू हो गए हैं और जहां पे लोग अब दर दर पे जाके वोटों के लिए गुजारिश कर रहे हैं। इस चुनाव में जहां पैसे से सारे वोट खरीदे जाते हैं, जिस पैसे के बल पे चुनाव लड़े जाते हैं, इस दौर में एक प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो जन सेवा के लिए जाने जाते हैं। उनका नाम है सरताज आलम। झंझार के लिए सरताज आलम से हम कुछ बातचीत कर रहे हैं। सरताज जी, झंझार में आपका स्वागत है। आपने ये चुनाव लड़ने का मन किस लिए बनाया? अभी चुनाव लड़ने के मन के पीछे एक बड़ी वजह यह थी कि जिस तरह के लोग आज तक चुनाव हमारे लड़ते रहे हैं, उनमें से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो जनसेवा सच में उनके मन में होती है, और वरना अक्सर लोग इसलिए जाते हैं कि हमें लोग चुनाव के नाम से उनको नेताजी कहने लगे या वो पैसा कमाने के लिए एक साधन बना लें। लेकिन सच में जो जो हमारी आवाम की जो समस्याएं हैं वो वहाँ हमारे नगर निगम में नहीं उठ पाती हैं, अक्सर ऐसा देखा जाता है। जैसे जिस जगह अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये एक बहुत बड़ा विशाल कूड़ा घर इसके ठीक बराबर में था। लगभग लाखों टन कूड़ा वहाँ पर कई सालों से, लगभग 10-12 सालों से पड़ा हुआ था, और नगर निगम ने ही इसको यहाँ डाला और पूरे ज़िले का कूड़ा यहाँ पर धीरे धीरे आने लगा। अगर हमारे नगर निगम में चुने गए लोग अगर वहाँ पर आवाम की अगर सही मांग उठाते तो यहाँ पर जो पोल्यूशन हो रहा था, उससे लोग बीमार हो रहे थे, उससे लोग मर रहे थे, उसके लिए कभी वहाँ पर मांग नहीं उठाई गई, कभी वहाँ पर ढंग से चीज़ें नहीं रखी गई। उसका कारण, उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि लोगों को नियम कानून की जानकारी नहीं थी। पत्रकार के साथ एक आंदोलनकारी के रूप में आपको देखा जाता है। शहर में इस बात की चर्चा है कि इस क्षेत्र में शराब भट्टी से हटाने के लेके, बैंक लगाने को लेके आपका बड़ा रोल रहा है, कूड़े घर को बनाने के लिए आपका बड़ा रोल रहा है। अब इसके अलावा और क्या क्या परेशानियाँ आपको नज़र आती है इस क्षेत्र में? यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या, यहाँ पर हम लोग तालीम की देखते हैं। बोर्ड में तमाम योजनाएं सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तमाम योजनाएं ऐसी हैं जो तालीम के लिए बनी हैं, लेकिन वो योजनाएं लोगों तक पहुँच ही नहीं पाती हैं। हमारे बोर्ड मेंबर या हमारे मेयर अक्सर ऐसा देखा जाता है उन पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, जबकि वो भरी पड़ी हैं, फाइल पर से धूल उठती नहीं है। अगर उन पर ढंग से कम लागू हो तो यहाँ पर तालीम का एक बेहतर इंतज़ाम किया जा सकता है। सफाई के वाले मामले में हमारा हल्द्वानी बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। उत्तराखंड में भी हमारा बहुत हल्द्वानी पिछड़ा हुआ है, हमारा वार्ड भी बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। तो सफाई पर एक बड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। सीवर की एक बड़ी समस्या है, यहाँ पर आज भी सीवर नालियों में खुला बहता है, उसको लेकर हमारी रैंकिंग और पीछे हुई। तो सीवर के लिए हमें यहाँ पर पूरी हल्द्वानी के अंदर और हमारे वार्ड के अंदर सीवर होना चाहिए, उसके कनेक्शन होने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि हल्द्वानी माना जाता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर आती है, खासकर बनबूलपुरा क्षेत्र को वो, हाँ बिल्कुल, उसका एक बड़ा कारण यह है कि बनबूलपुरा इंदिरा नगर के अंदर ये अल्पसंख्यक बाहुल्य मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, और यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पर तासुब बढ़ता जाता है, अधिकारी भी पक्षपात करते हैं, सरकारें भी पक्षपात करती हैं। उसकी दो वजहें होती हैं, एक तो उसकी धार्मिक और आर्थिक तौर पर जो पिछड़ापन है थोड़ा सा, उसकी वजहें तो है ही हैं, लेकिन यहाँ से जो नुमाइंदे हमारे चुन के जाते हैं वो भी कानूनी और तकनीकी तौर पर जानकार नहीं होते हैं। वो वहाँ पर अधिकारी और सरकार से जो तकनीकी तौर पर चीज़ें हासिल करनी होती वो नहीं कर पाते हैं, उसका नुकसान हमारी आवाम को उठाना पड़ता है, कोई सी योजना का लाभ यहाँ पर नहीं होता। बनबूलपुरा के अंदर हम देखते हैं प्रधानमंत्री के नाम पर और मुख्यमंत्री के नाम पर सैकड़ों योजनाएँ भरी पड़ी हैं, लेकिन उसका एक योजना भी यहाँ पर नहीं चल रही है, और इसीलिए हम चुनाव मैदान में आए हैं कि कम से कम उन सारी योजनाओं का लाभ, कम ही सही लेकिन कम से कम लोगों तक पहुंचे तो सही। हर चुनाव में धन बल का एक बड़ा रोल होता है, जबकि आप एक आंदोलन को रिक के रूप में जानते हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि जनता धन बल के अलावा आपको चुनने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएगी? बिल्कुल दिखाएगी। आज तक ऐसा हुआ है कि यहाँ पर जो जानकार नहीं है, जो वहाँ पर नहीं लड़ सकते हैं, जो आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, जो कि यहाँ तक कि जो लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं, हालांकि अधिकार सबको है, लेकिन इस तरह के लोग नगर निगम जाते रहे हैं तो उनको विकल्प नहीं मिला है। आज मैं हूँ, मैंने एमकॉम किया, मैंने एलएलबी की, जामिया उर्दू अलीगढ़ से मैंने अदीब कामिल कर रखा है, तो ये सब और आंदोलन इतने बड़े किए हैं। क्षेत्र में बैंकिंग की समस्या थी, दो बैंक, पहली बार आज़ादी से आज तक कोई भी यहाँ पर बैंक नहीं था, एक छोटा सा डाकखाना था यहाँ पर लाइन नंबर 8 में, वो भी इसको हटा लिया गया था, दो बैंक हम लेके आए। नशे का मामला ये था कि 80 साल पुरानी एक शराब भट्टी थी जो अवैध तौर पर यहाँ पर चल रही थी, उसकी डिमांड हमने 2010 में की, और मात्र 14 दिन के अंदर हमने 500 लेटर लिखे, 500 लेटर, और वो हटी। उसके अलावा ये कूड़ा, जहाँ पर हम कूड़े घर पर खड़े हैं, इसको लेके इंदिरा नगर जन विकास समिति और हम सब ने इसके लिए आंदोलन किया। 11 दिन की हमने क्रमिक अनशन किया जिसमें 67 घंटे का लगातार भूख हड़ताल शामिल थी, और हम लोग इसके लिए हाईकोर्ट गए, और उसका नतीजा ये हुआ कि 10 जुलाई 2018 को
हमारे माननीय हाईकोर्ट ने एक बेहतरीन आदेश दिया और 48 करोड़ रुपए का प्लांट की सौगात इस उत्तराखंड को मिली। उत्तराखंड का सबसे बड़ा प्लांट आज हम लोगों की याचिका पर और हम लोगों के आंदोलन के कारण बनने को तैयार है। जिस जगह अभी हम खड़े हैं यहाँ पर अगले 6 महीने के अंदर प्रस्तावित है कि ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा, तो हमने शहर को और इस जिले को प्रदूषण मुक्त करने की ओर बड़ा कदम उठाया है। तो लोग ज़रूर चुनेंगे हमें, लोगों को हम विकल्प दे रहे हैं। जहाँ एक और धन बल है वहाँ एक और आंदोलन खड़ा है। झंझार से बातचीत करने के लिए सरदार जी आपका शुक्रिया, आपको शुभकामनाएं। थैंक यू।